हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इस समय मैं सुबह सुबह फिर से ब्लॉग स्टार्ट कर चुका हूं और आज का वेदर कुछ इस प्रकार का है। देखिए, हम लोग का तरफ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ा है गाइस, इसलिए मैं अपना टोपी वोपी लगा लिया हूं। और गाइस, आज तो सोच रहे हैं कहीं जाने के लिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि आज बहुत ही ठंड लगा है। तो देखता हूँ जाता हूँ कि नहीं, पर सोचा हूँ जाऊँगा, जैसे भी हो मैं आप लोग के लिए ब्लॉग तो बनाना पड़ेगा ही। सो गाइस, आज मेरे लिए एक बहुत ही खास दिन है, तो इस खास दिन को देखने के लिए आप लोग को बने रहना चाहिए। मेरे लिए आज का दिन बहुत खास है गाइस, तो मैं आप लोग को बाद में दिखाऊंगा क्या खास दिन है, उसको आपको देखने को मिलेगा। आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग में। ये देखिए गाइस, मैं चाय बना के रेडी कर चुका हूँ, सिर्फ अभी देना है मम्मी पापा को। ये रहा मेरा चाय स्पेशल, और ये हमारा छोटा सा किचन है, ये छोटा सा किचन हम लोग का, और इसमें हम लोग अपना बर्तन वगैरह सब कुछ रखते हैं। चलिए, ये रहा चाय, मैं दे के आता हूँ पापा के लिए और नानी के लिए। चाय है, लीजिए पापा। और इधर नानी, और अभी भाई को देखते हैं, अभी तक उठा नहीं। ये देखो, अभी तक उठा नहीं, सोया हुआ है अभी। वीडियो देख रहे हैं सुबह सुबह, वीडियो देख रहे, ठंड के वजह से उठा नहीं अभी तक। इंडिया में और नया नया पेट सब लॉन्च हुआ है, इसी से आपको देख रहे हैं। तो फाइनली गाइस, अभी हम लोग निकल चुके हैं मेरा दीदी के घर जाने के लिए, और वहां से और एक जगह जाना है, वहां भी जाएंगे, वहां का नज़ारा भी आप लोग को दिखाएंगे, आप लोग बने रहिए। तो अभी ठंड में हम लोग निकल चुके हैं। देखिए गाइस, हम लोग का इधर का ठंड किस प्रकार से कितना ज़्यादा मात्रा में पड़ा है गाइस, तो आप लोग का उधर का ठंड कैसा है आप लोग कमेंट में जरूर बताना। देखिए, पूरा ही पूरा सब तरफ मतलब कुहासा ही कुहासा, और फोग जो है बहुत ज़्यादा हुआ है गाइस, और इतना ज़्यादा ठंड लग रहा है कि मैं अपना हाथ मोजा वगैरह भी लगा लिया हूँ। ये देखिए गाइस, यहाँ पे मेला लग रहा है, यहाँ का मेला जो क्या बोलता है माता मेला, वो मेला लग रहा है आज, तो शुरू होने वाला है ये मेला कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा। पूरा का पूरा दुकान लगाया हुआ है। ओ भाई, उधर में डॉग डॉली डॉल वगैरह लगाया है। हम लोग अभी पहुंच चुके हैं, और ये रहा मेरा फ्रेंड्स का घर, ज्वेल टूडू है उसका घर है, और अभी हम लोग देखते हैं जो काम करने के लिए आए हैं वो काम कर लेते हैं, उसके बाद यहां से निकलेंगे डायरेक्ट हम लोग दीदी का घर। तो गाइस, फाइनली इस समय हम लोग पहुंच गए हैं दीदी का घर। इधर मेरी दीदी अपना नाखून को साफ कर रही है, और ये रहा दीदी का घर। तो ज़्यादा देर यहाँ पर नहीं रुकेंगे क्योंकि हम लोग ऐसे ही जस्ट विजिट करने आए थे, तो अभी थोड़ा देर बैठेंगे उसके बाद निकलेंगे, तो डायरेक्ट जाके आप लोग को घर में मिलाता हूँ गाइस। फाइनली मैं घर आ गया हूँ, आने के बाद आते के साथ ही मैं खाना खा लिया हूँ क्योंकि बहुत ज़ोरों से भूख भी लगा था। और इधर है मालती, इधर नानी, और उधर पापा मम्मी, तो सब कोई आज घर में ही है। मालती भी काम से आ गई है, हाय करो।
तो आज का खास डे में किसका खास डे है आज इसका तो आज कुछ होने वाला है गाइस, आप लोग को बने रहिएगा। आज मैं सोच रहा था कि शायद आज धूप नहीं निकलेगा, पर इतना ज़्यादा धूप निकल गया कि अभी गर्म भी लगने लगा है। इस समय गाइस मैं नहा धोवा के रेडी हो चुका हूँ, और मैं जैसे बोला था आप लोग को, आज मेरा बच्चे लोगों को जो पढ़ा रहा हूँ उसका कुछ मेरा प्रोग्राम होने वाला है। जो उन लोग का खेलने के लिए सामान वो आया है उन लोग को बांट के देना है, उसके बाद जो भी सार लोग आएंगे उन लोग के साथ बातचीत होगा। तो चलिए आप लोग को दिखाऊंगा वो सब चीज़ भी। तो मैं इस समय जा रहा हूँ चर्च को खोलने के लिए, और थोड़ा साफ वगैरह कर लेते हैं। बच्चे लोग भी शायद आके रेडी हो चुके हैं, क्योंकि उस समय से उन लोग एक्साइटेड है, पूछ रहे थे कब होगा। देखिए पहले ही आके रेडी हो चुका है इन लोग, ये बच्चे लोग। फाइनली मेरा प्रोग्राम वगैरह खत्म हो चुका है, थोड़ी देर पहले ही खत्म हो चुका है, और उसके बाद अभी जाएंगे गाइस केक लाने के लिए। किस चीज का केक वो तो आप लोग को बाद में देख के ही पता चलेगा। तो अभी जाएंगे, शाम हो चुका है, पर हम लोग इधर थोड़ी बड़ी नजदीक है बोल के हम लोग अभी जाएंगे केक लाने के लिए, और उसके बाद ही आप लोग को पता चलेगा किस चीज के लिए हम लोग केक लाने जा रहे हैं। तो बने रहिएगा गाइस आप लोग ब्लॉग में। ये देखिए गाइस अभी हम लोग केक का दुकान में पहुंचने ही वाले हैं केक लेने के लिए। ये रहा, हम केक दुकान में पहुंच गए, और यही से अभी हम लोग केक लेंगे। हम लोग कभी केक दुकान में आ चुके हैं, और अभी हम लोग केक लेंगे, देखेंगे कौन सा हम लोग को पसंद आता है। से ये वाला केक को अभी हम लोग चॉइस कर लिए, इसको लेंगे। तो ये रहा हमारा तीसरा बार इस केक का शॉप में आके, यही से अभी तो हम लोग का नज़दीक हो गया केक लेने के लिए। तो पहले जाना पड़ता था हम लोग को बस पुकुर, नहीं तो आलूगढ़ा। तो आज यहाँ से फिर हम लोग लेके जा रहे हैं। तो इस समय गाइस आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग उस समय केक लेने गए थे, और मेरा स्पेशल डे। तो आज का स्पेशल डे यही है कि हम लोग का आज मैरिज एनिवर्सरी है, तो उसके लिए आज हम लोग केक लाने गए थे और केक कट रहे हैं। सो गाइस इस समय हमारे एनिवर्सरी में हमें विश करने के लिए हमारे पूरे परिवार के जितने भी सदस्य हैं, मामा लोग, बड़ा मामा लोग, छोटा मामा लोग, और उसके बाद छोटा मामा का सास ससुर भी आए हुए हैं। तो यही कमी रह गया कि हमारा परिवार का मम्मी और पिताजी नहीं है, वो उन लोग अभी भी सिलीगुड़ी में है, उसी की वजह से हम लोग आज अटेंड नहीं कर पाए। तो उसी बात का हम लोग को थोड़ा दुख है, क्या करें, उन लोग को भी जाना था तो उसी की वजह से गए। तो कोई बात नहीं, हम लोग आज देर हो रहा था, इसलिए जल्द से जल्द हम लोग केक कट लिए। तो गाइस फाइनली हम लोग का सब कुछ हो चुका है, और काफ़ी इंजॉय किए, और आज का दिन काफ़ी अच्छे तरह से हम लोग को सेलिब्रेट किए। अगर आप लोग मेरा ये वीडियो को पसंद किए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल वाला आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और जितने भी आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में अगर फॉलो नहीं किए हैं तो वहाँ जाके फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है paul.mardi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 .mard
9888। तो चलिए गाइस मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग से विदा चाहते हैं, टाटा बाय बाय।